हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे डिफरेंसेस बिटवीन गेट एंड मेक, काउजेटिव वर्ब गेट एंड मेक। ओके फ्रेंड्स, ये गेट और मेक बहुत ही दिमाग खराब करके रखता है सबका कि इसका इस्तेमाल एज ए काउजेटिव वर्ब हम किस तरह के सेंटेंसेस में करते हैं, और कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेक से बनाने वाले सेंटेंस को गेट से बना देते हैं, गेट से बनाने वाले सेंटेंसेस को मेक से बना देते हैं, कन्फ्यूज़न रहता है। सो, आज हम सारा का सारा कन्फ्यूज़न दूर करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, एक ही सेंटेंस को हम मेक से भी बना सकते हैं और गेट से भी बना सकते हैं। वो कैसे, आज हम वो देखेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि मेक किस तरह के सेंटेंसेस में लगाया जाता है। मैं पहले ही मेक और गेट दोनों का सेपरेट वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, और अगर आपने देखा होगा तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आ चुका होगा कि मेक का इस्तेमाल किस तरह के सेंटेंसेस के लिए करते हैं और गेट का इस्तेमाल किस तरह के सेंटेंसेस के लिए करते हैं एज अ कॉजेटिव वर्ब। ओके फ्रेंड्स, तो हम सबसे पहले फ़र्क समझेंगे। फ़र्क क्या है, सेंटेंस के द्वारा हम फ़र्क समझने की कोशिश करते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा है, मैं अपने बाल हजाम से कटवाता हूँ। मैं अपने बाल हजाम से कटवाता हूँ। ओके फ्रेंड्स, इसको हम मेक से भी बना सकते हैं और गेट से भी बना सकते हैं। अगर सेंटेंस में ऐसा होता कि मैं अपने बाल कटवाता हूँ, तो यहाँ पर सिर्फ गेट से बनता। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब भी कोई सजीव किसी सजीव से कुछ कराता है तो उस सेंटेंस को हम मेक लगाकर बनाते हैं, और जब कोई सजीव कुछ निर्जीव से कुछ निर्जीव चीज़ करवाता है तो वहाँ पर हम गेट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं बाल कटवाता हूँ। ओके फ्रेंड्स, मैं बाल कटवाता हूँ, इसमें सिर्फ बाल कटवाने की बात है, बाल निर्जीव है, नॉन लिविंग थिंग्स है, इसलिए इसको हम गेट से बनाएंगे। अगर इसी सेंटेंस को हम बोलते हैं कि मैं हजाम से अपने बाल कटवाता हूँ, हजाम से, यहाँ पर सजीव की भी चर्चा हो गई और निर्जीव की भी चर्चा हो गई, दोनों की चर्चा हो गई, तो हम इसे हम दोनों तरीके से बना सकते हैं। बट बनाएंगे कैसे, देखिए, मैं अपने बाल हजाम से कटवाता हूँ, तो सबसे पहले आई गेट माई हेयर कट। गेट वाले में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, कट का थर्ड फॉर्म कट ही होता है, इसलिए हमने कट ही लिखा है। ओके फ्रेंड्स, सब्जेक्ट के बाद गेट, गेट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट इसमें माई हेयर है। ओके, फिर उसके बाद वर्ब यानी सेकेंडरी वर्ब, इसमें लिखा है हजाम से, तो बाई बार्बर। ओके फ्रेंड्स, आई गेट माई हेयर कट बाई बार्बर। अभी इसी सेंटेंस को हम मेक से बनाते हैं। अगर हम मेक से इसी सेंटेंस को बनाएंगे, ध्यान रहे कि इस सेंटेंस में निर्जीव चीज और सजीव चीज दोनों की चर्चा है, यानी कि वो क्या करवाता है और किससे करवाता है, दोनों का चर्चा है, इसलिए ऐसे सेंटेंसेस को हम मेक और गेट दोनों से बना सकते हैं। बट इस बात का ध्यान रखना है कि क्या यहाँ पर सावधानी बरतनी है। आई मेक, ओके, बार्बर कट, अब इसका मतलब क्या हो गया, मैं बार्बर से कटवाता हूं। ओके, आई मेक बार्बर कट माई हेयर। मैं बार्बर से यानी हजाम से अपने बाल कटवाता हूं। यहां पर मेक के बाद बार्बर लिखेंगे, यानी कि सजीव चीज, हमेशा याद रखना। अगर गेट लगा रहे हैं तो गेट के बाद हमेशा निर्जीव चीज की बात होगी यहाँ पर, और मेक के बाद हमेशा यहाँ पर सजीव चीज की बात होगी। ओके फ्रेंड्स, आपको समझ में आ रहा है ना, मेक वाला सेंटेंस में हमेशा मेक के बाद सजीव चीज की ही यहाँ पर चर्चा होगी। तो आई मेक बार्बर कट माई हेयर। ओके, अभी दूसरा सेंटेंस है, राकेश मुझसे गीत गवाता है, तो राकेश गेट सिंग, गेट के बाद क्या निर्जीव चीज, सॉन्ग है यहाँ पर, गीत, गेट सॉन्ग संग, गवाता है, थर्ड फॉर्म, गेट में हमेशा थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है,
संग किससे? मुझसे, तो बाय मी। राकेश गेट सॉन्ग संग बाय मी। अब अगर हम इसी को मेक से बनाते हैं तो राकेश मेक्स, मेक्स क्यों लगा इसमें, एस क्यों लगा? क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और टेंस का, जिस टेंस का जो रूल्स है उसी के हिसाब से हम मेक के साथ चेंजिंग करेंगे, ओके फ्रेंड्स, न कि सेकेंडरी वर्ब के साथ। तो मेक्स मी सिंग सॉन्ग ओके, राकेश मेक्स मी सिंग सॉन्ग। यहां पर राकेश मुझसे गीत गवाता है। आपको समझ में आ रहा होगा अभी कि हम जब इसको गेट से बना रहे हैं तो गेट के बाद हमने सॉन्ग लिखा, निर्जीव चीज, और मेक से बना रहे हैं तो मेक के बाद हमने मी लिखा, यानी सजीव चीज। ओके फ्रेंड्स, ध्यान से देखना, अगर आप ध्यान से देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। ओके, राकेश में गेट लगा है, यानी कि राकेश मुझसे गीत गवाता है, तो वहां पर अगर हम गेट लगाकर बना रहे हैं तो इसमें गेट के बाद निर्जीव चीज हमने लिखा, और मेक लगाकर अगर हम बना रहे हैं तो मेक के बाद हमने सजीव चीज को लिखा, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ओके फ्रेंड्स, अभी हम तीसरा सेंटेंस देखते हैं। तीसरा सेंटेंस है, मैं तुमसे पत्र लिखवाता हूं, मैं तुमसे पत्र लिखवाता हूं। तो पहले हम गेट से बनाते हैं इसको, आई गेट अ लेटर रिटर्न बाय यू। ओके फ्रेंड्स, आई गेट अ लेटर रिटर्न बाय यू, मैं तुमसे पत्र लिखवाता हूं। इसी को अगर हम मेक से बनाते हैं तो आई मेक, तो यू लिखेंगे यहां पर, आई मेक यू क्या करवाता हूं, राइट, तुमसे लिखवाता हूं। आई मेक यू राइट क्या लिखवाता हूं, अ लेटर। आई मेक यू राइट अ लेटर, मैं तुमसे पत्र लिखवाता हूं। ओके फ्रेंड्स, यहां पर लेटर निर्जीव हुआ गेट के बाद, यहां पर मेक के बाद यू सजीव हुआ। ओके फ्रेंड्स, आपको बस इसी बात का ध्यान रखना है कि गेट के बाद हमेशा निर्जीव चीज ही लिखना है। मेक वाले सेंटेंस में मेक के बाद हम किसी सजीव को लिख रहे हैं, उसके बाद वर्ब यानी सेकेंडरी वर्ब, तो इस वर्ब का पहला फॉर्म ही आएगा, और गेट में हमेशा थर्ड फॉर्म आएगा। ओके फ्रेंड्स, आगे है, वह धोबी से कपड़े धुलवाता है, ही गेट्स, गेट्स क्यों, एस क्यों लगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के वर्ब में एस या एस लगाते हैं। तो ही गेट्स क्या करवाता है, कपड़े धुलाता है, क्लोथ्स। उसके बाद वी थ्री वॉश्ड, वह कपड़े धुलाता है, इतना हो गया, किससे, धोबी से, बाय वॉशरमैन। ओके फ्रेंड्स, ही गेट्स क्लोथ्स वॉश्ड बाय वॉशरमैन। अगर इसको हम मेक से बनाते हैं तो ही मेक्स, अभी यहां पर सजीव चीज क्या हो गया, किसे काम करवा रहा है, वॉशरमैन से, तो वॉशरमैन लिखेंगे पहले हम, वॉशरमैन, ही मेक्स वॉशरमैन वॉश, वर्ब का पहला फॉर्म क्लोथ्स, ही मेक्स वॉशरमैन वॉश क्लोथ्स, वह धोबी से कपड़े धुलवाता है। ओके फ्रेंड्स, तुम मुझसे खेत जुतवाते हो तो यू गेट क्या जुतवाता है, फार्म, तो गेट फार्म, फार्म निर्जीव है इसलिए हम फार्म लिखेंगे गेट के बाद, यू गेट फार्म। उसके बाद वी थ्री यानी कि जो इसमें क्रिया है उसका तीसरा फॉर्म, तो प्लॉट, यू गेट फॉर्म प्लॉट बाय मी, मुझसे जुतवाते हो। अगर इसको हम मेक से बनाते हैं तो यू मेक मी, इसमें क्या है, मी सजीव है यानी कि लिविंग थिंग्स है, तो यू मेक मी प्लो, तुम मुझसे जुतवाते हो क्या, फॉर्म, यू मेक मी प्लो फॉर्म। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम गेट और मेक वाले सेंटेंसेस का डिफरेंसेस समझेंगे और उसको बनाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको
ये अच्छी तरह से डिफरेंसेस समझ में आ रहा होगा। ओके फ्रेंड्स, अभी आप ये मत समझना कि सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस में ऐसा होता है, हम उसको किसी भी टेंस में ले सकते हैं। मैं अपने बाल हजाम से कटवाता हूँ, इसको अगर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बोलेंगे तो मैंने अपने बाल हजाम से कटवाए, तो क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा फॉर्मूला वही रहेगा, सिर्फ गेट और मेक का फॉर्म चेंज हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, जैसे मैंने अपने बाल हजाम से कटवाए, आई गॉट माई हेयर कट बाई बार्बर। अगर हम बोलते हैं इसको फ्यूचर टेंस में कि मैं अपने बाल हजाम से कटवाऊंगा, तो आई विल गेट माई हेयर कट बाई बार्बर। ओके फ्रेंड्स, मुझे अपने बाल हजाम से कटवाने चाहिए, अभी चाहिए वाला है ये, तो आई शुड गेट माई हेयर कट बाई बार्बर। इसी तरह से हम मेक वाले सेंटेंस भी बना सकते हैं, मैंने अपने बाल हजाम से कटवाए, आई मेड द बार्बर कट माई हेयर। मैं अपने बाल हजाम से कटवाऊंगा, आई विल मेक बार्बर कट माई हेयर। ओके, मुझे अपने बाल हजाम से कटवाने चाहिए, आई शुड मेक बार्बर कट हेयर। सेंटेंस का चाहे कोई भी स्ट्रक्चर हो, चाहे सकता शक्ति वाला हो, चाहे जाना है खाना है पीना है सोना है वैसा वाला हो, या चाहिए वाला हो, या जरूरत वाला हो, किसी भी सेंटेंस में जब कॉजेटिव वर्ब का, यानी कि कोई आदमी किसी और आदमी से कुछ करा रहा है, ऐसा कुछ सेंटेंस में चर्चा है, तो उसको हम मेक या गेट से बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तुम अपने बाल हजाम से कटवा सकते हो, यू कैन गेट योर हेयर कट बाय बार्बर। यू कैन मेक द बार्बर कट योर हेयर। मुझे तुमसे अपने पत्र लिखवाने चाहिए, आई शुड मेक यू राइट माई लेटर। आई शुड गेट माई लेटर रिटन बाई यू। तुम्हें धोबी से कपड़े नहीं धुलवाने चाहिए, यू शुडंट मेक वॉशरमैन वॉश क्लोथ्स। यू शुडंट गेट योर क्लोथ्स वॉश्ड बाय वॉशरमैन। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से हम बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। अभी उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से कि गेट और मेक का डिफरेंसेस क्या है। अगर आप थोड़ा बहुत भी मेक और गेट से बनने वाले सेंटेंसेस के बारे में जानते हैं, कॉजेटिव वर्ब मेक और कॉजेटिव वर्ब गेट के बारे में जानते हैं, तो आपको बस इतना जान लेना ज़रूरी है कि जब भी हम गेट लगाते हैं, गेट से बनाते हैं, कॉजेटिव वर्ब गेट से बनाते हैं, तो गेट के बाद हमेशा निर्जीव चीज़ यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स की बात करेंगे। अगर हम मेक से बनाते हैं तो मेक के बाद हमेशा लिविंग थिंग्स यानी कि सजीव चीज़ की चर्चा करेंगे, वहाँ पर उल्लेख करेंगे। ओके फ्रेंड्स, इन सारे सेंटेंसेज मैंने आपको इंग्लिश बनाकर दिखाई दिया कि गेट के बाद निर्जीव कैसे और मेक के बाद सजीव कैसे। ओके फ्रेंड्स, बस यही मेन डिफरेंसेज है इसमें। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझसे कह चुके हैं कि गेट और मेक वाले सेंटेंस में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है कि किस सेंटेंस को गेट लगाकर बनाना है और किस सेंटेंस को मेक लगाकर बनाना है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब सारा का सारा कन्फ्यूज़न अगर आपके पास कोई रहा होगा तो दूर हो गया होगा, आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स वीडियो को अच्छा लगने पर लाइक किया कीजिए, कमेंट भी किया कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो आपसे गुजारिश है हमारी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इंग्लिश घर बैठे सीखते रहें। तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स अलॉट एंड धन्यवाद। अगर आप शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए। हमारे चैनल पर जाने के बाद चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, ऊपर आपको प्लेलिस्ट लिखा नजर आएगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। प्लेलिस्ट पर क्लिक करने के बाद सारे प्लेलिस्ट खुल जाएंगे और सबसे जो ऊपर वाला प्लेलिस्ट है इंग्लिश प्रैक्टिस क्लासेस, आप उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सारे वीडियोज आ जाएंगे और इन सारे वीडियोज़ को आप ऊपर से शुरू करना देखना और एक एक करके देखना।